तो फ्रेंड आपको थंबनेल में देख करके समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड देखिए, ये एयरटेल का फ़ोन है और इसमें जब बैटरी लगाते हैं तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक वाइट आ जाता है, यानी कि देखिए ऑन करने से पहले इसमें डिस्प्ले जो है चलने लगता है। उसके बाद आपको ऑन जब करिएगा तो ये ऑन हो जाएगा फ्रेंड, और ऑन होने के बाद आपको डिस्प्ले पर है जो लाइट है ऑफ होने के बाद वाइट देखने को मिलेगा आपको। देखिए जब भी आप मोबाइल में बैटरी लगाइएगा तो ये डिस्प्ले वाइट हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको कैसे सही करते हैं तो वीडियो पर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, जब तक वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपको आसान तरीक़ा से आपको दिखाएंगे कैसे इसको सही करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप इसको ध्यान से आपको देखते रहेगा इसमें क्या क्या हम करते हैं और कैसे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर पन्नी लगा हुआ है डिस्प्ले पर। तो फ्रेंड देखिए, ये पन्नी आपको निकाल देना है, और पन्नी निकालने के बाद आपको डिस्प्ले को निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपको उसको साफ करके फिर से लगाना है। उसके बाद सही हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर से आपको दूसरा स्टेप आपको बताएंगे। तो मैं देखिए पहला स्टेप आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इसको आसानी से निकाल लेना है सही तरीक़ा से। तो फ्रेंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, इसको निकालने के बाद अब इसको साफ कर देना है अच्छा तरीक़ा से। तो फ्रेंड देखिए, जो लाइट का पोजीशन है वहाँ पर देखिए थोड़ा सा तुतिया लगा हुआ है, तो इसको साफ कर देना है सही से। देखिए मैं सब साफ कर देता हूँ दोनों को, और डिस्प्ले का जो लाइट है जो देखिए उसको लाइट को निकाल देना है, और निकाल करके फिर से आपको उसको फिर से आपको दोबारा रिसोल्डिंग करना है उसको। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, और साफ़ करने के बाद रिसोल्डिंग कर देते हैं, और रिसोल्डिंग करने के बाद उसको फिर से मैं लगाऊंगा उसको। तो फ्रेंड वीडियो पर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसमें इसको रिसोल्डिंग कर दिया हूँ, और रिसोल्डिंग करने के बाद देखिए आपको डिस्प्ले को आपको लगा करके दिखा देते हैं। तो फिर देखिए, इसको साफ कर दिया अच्छा तरीक़ा से, और साफ करने के बाद इसको लगाना है। तो फ्रेंड देखिए, इसको अच्छे तरीक़े से आपको लगाना है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, अगर शॉर्ट होगा तो मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो फ्रेंड देखिए, इसको सही से मैं इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ, उसके बाद आपको चेक करके दिखा देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए 100% सॉल्व हो चुका है फ्रेंड। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।